नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत मलोखड़ा में, जो यहाँ के डिपो होल्डर है अल्ताफ जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से कार्ड पर कितना कितना राशन वितरण कर रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ में आप अपने पूरे परिचय के साथ हमें बताएं कि आप कौन कौन से कार्ड पर कितना कितना राशन वितरण कर रहे हैं। मैम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ, गाँव मलोखड़ा, तहसील हथीन है। मेरा लाइसेंस नंबर 620 है। जी मैम, जैसा कि आप बता रही हैं कि कौन सा कार्ड पे कितना राशन, जैसे सरकार दे रही है मैम, मैं उतना ही राशन दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर डबल ए वाई कार्ड पे सरकार राशन देती है कि 35 किलो कार्ड और ओपीएच कार्ड पे 5 किलो प्रति यूनिट मिलता है। डबल ए वाई और ओपीएच और बीपीएल कार्ड पे मैम 5 किलो यूनिट है और उस पर सरकार चीनी और नमक दे रही है फिलहाल। जी, जो तेल बंद हो गया है सर, उसके पैसे आने वाले हैं कार्डधारकों के अकाउंट में, तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों के वो पैसे आ चुके हैं अब तक? मैम, मेरे गांव और ममोला के अटैचमेंट हो रहे हैं मेरे साथ, इन गांवों में अभी 5% पैसे भी नहीं डले हैं लोगों के। क्या कुछ कारण है इसका? हाँ, कारण बताते हैं कि भाई आपकी फैमिली आईडी सही नहीं है। जी। लेकिन इनकी फैमिली आईडी जब बाहर चेक कराते हैं तो बिल्कुल सही होती है। बिल्कुल सही होती है। बिल्कुल जी। आगे आपने पूछताछ नहीं करी इनसे? मैम, पूछताछ हम हथीन और पलवल ही जा सकते हैं। हम वहाँ ये कह देते हैं हमसे कि भाई अभी तुम्हारी फैमिली आईडी में दिक्कत है, फैमिली आईडी में दिक्कत है। बाहर से सीएससी सेंटर वाले से कराओ। सीएससी सेंटर वाले के पास जाते हैं, एक मरतबा जाने की वो 100 रुपये ले लेते हैं फैमिली आईडी के। जी। अब उनसे कई मरतबा करवा ली। जी। फिर वो ये दिक्कत बताते हैं कि आपकी फैमिली आईडी सही नहीं, अपडेट नहीं है अकाउंट से। तो कितने कार्ड हैं टोटल आपके पास? मेरे पास टोटल मैम 580 या 590 कार्ड हैं दोनों गांव के। जो फूड इंस्पेक्टर है आपके, क्या नाम है उनका? फूड इंस्पेक्टर मैम फिलहाल तो सुरेश पाचाल जी थे, वो अभी है नहीं जी। अब वो दूसरे अधिकारी इंस्पेक्टर प्रहलाद जी हैं उसको दे रखी जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पीछे से राशन खराब आया हो या कम आया हो राशन, ऐसी कोई समस्या आई है अब तक? नहीं मैम, पिछले महीने ये दिक्कत हुई थी कि ये दो गांव थे, श्यामपन की और ममोला का जी। तो इन गांव श्यामपन के वालों को के लिए ज़्यादा राशन दे दिया था, 15 क्विंटल मेरे गांव से। तो इसमें लोगों को बहुत समस्या हुई थी राशन लेने में। सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कार्डधारक आपके पास राशन लेने आया हो, तो कई बार ऐसा होता है जो मशीन होती है उसमें उनके फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाते, कुछ भी कारण हो सकता है इसका, तो आप उन्हें किस प्रकार राशन वितरण करते हैं? मैम, 10 साल से जो नीचे वर्ष का बच्चा है उसका तो अंगूठा मशीन पकड़ बहुत कम है, समस्या आती है। बिल्कुल समस्या आती है। फिर देखते हैं वो परेशान होकर अपने जो भी हो रहते हैं बड़े बूझे जो कार्ड में चढ़े हुए हैं तो उनको ही बुलाना पड़ता है, फिर उनका फिंगर लेना पड़ता है। कार्ड में से किसी भी एक सदस्य का फिंगर लेना जरूरी जी। जो कोई कार्डधारक यदि कोई विकलांग है या कुछ कोई कुछ कारण हो गया है जो वो राशन नहीं लेने आ पाया या असमर्थ है जी, तो उसे किस प्रकार राशन पहुंचाया जाता है? मैम, ऐसा तो हो सकता है कि मैं मशीन लेकर वहां पहुंच जाऊं लेकिन बिना राशन अंगूठा लगाए मैं राशन नहीं ले सकता, फिंगरप्रिंट स्कैन करे राशन नहीं देते। आप जी, चलो, कार्डधारकों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं कार्डधारक। चलो मैं पूछ लेती हूँ उनसे। चलो, हमारे साथ तो आज कुछ कार्डधारक भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं हम। जी सर, क्या नाम है आपका? यूसुफ है जी मेरा। जी, कौन सा राशन कार्ड है आपके पास? हाँ जी। कौन सा राशन कार्ड है? ओपीएच। क्या क्या मिलता है, कैमरा में देखिए सर। गेहूँ मिल रहा है, डबल मिल रहा है। डबल मिला है राशन? हाँ जी। 5 किलो यूनिट ना जी, कोई शिकायत नहीं, संतुष्ट है? टाइम पे राशन? बिल्कुल टाइम पे मिल रहा है। कुछ कहना चाहिए, कोई शिकायत है तो बता सकते हैं आप? ना फिलहाल तो जनाब कोई शिकायत, फिलहाल कोई शिकायत नहीं है, आगे आएगी तो बताएंगे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? महरदीन है जी। जी, कार्ड है आपके पास? हाँ जी। कौन सा कार्ड है? बीपीएल है। क्या क्या मिलता है? तेल भी मिला है जी, नमक भी। तेल मिल रहा है आपको? ना फिलहाल ना मिला है जी। चलो, अब ये दो तीन में ना जी, अब नहीं आ रहे हैं जी। पहले आए हैं? हाँ जी। कितने आए हैं? ना जी, पैसे नहीं आए, पहले तेल मिला है जी, 2-3 महीने। हाँ, अब नहीं मिल रहा जी। कार्ड में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे हैं जी 6। 6 सदस्य। कितना मिलता है? 30 किलो मिलता है जी, अब 60 किलो मिल रहा है। डबल मिला है? हाँ, डबल मिलता है। सही मिल रहा है? हाँ जी, सही मिल रहा है। ना जी, नहीं कोई नहीं। चलो जी सर, क्या नाम है आपका? नूर खान जी। कौन सा राशन कार्ड है? AY है। डबल AY है। क्या क्या मिलता है? यही गेहूँ, नमक, चीनी। टाइम पे मिलता है राशन? हाँ, वैसे टाइम पे मिलता है। कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं, सही मिल रहा है राशन। बिल्कुल सही मिल रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम है सिराज। कौन सा राशन कार्ड है? मेरे पे है बीपीएल, तो बीपीएल है जी, लड़का पे बीपीएल है। अच्छा, मेरे पे उस है। तो अच्छा, दो कार्ड है घर पर? घर पे वो बालक है, मतलब उस दिमाग से। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो टाइम पे मिलता है राशन आपको? टाइम पे मिल रहा जी। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत है तो बता दीजिए अभी। ना, कोई शिकायत नहीं। चलो आगे बताएंगे, शिकायत आएगी तो आगे बताएंगे, होएगी तो। बहुत बढ़िया। और भी कुछ या ले लो, या ले लो। आपके पास नहीं है कार्ड? चलो कोई नहीं जी। कौन सा कार्ड है आपके पास? ओपीएच। पहले नाम बताइए सर। मोहम्मद तालीम जी। कौन सा राशन कार्ड है? ओपीएच। क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है। टाइम पे मिलता है राशन? जी बिल्कुल। कितना मिलता है टोटल राशन? कितना मिलता है जी? हम छह हैं जी, 60 60। डबल मिलता है? हाँ जी डबल। शिकायत रिपोर्ट से? ना जी कोई शिकायत। चलो बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? वसीम जी। कौन सा राशन कार्ड है? बीपीएल है जी। क्या क्या मिलता है? गेहूं और ये चीनी और तेल, नमक और तेल तो अब तो मिल रहा नहीं है। तेल के पैसे आ गए? नहीं आए जी। क्यों नहीं आए? पूछा नहीं आपने रिपोर्ट होल्डर साहब से? ये आप फैमिली आईडी की शिकायत बताते हैं जी। फैमिली आईडी अपडेट की शिकायत? हाँ। बाकी टाइम पे मिल रहा है राशन? बिल्कुल जी, टाइम पे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमुद्दीन है जी। कौन सा राशन कार्ड है सर आपका? ओपीएच है जी मेरा नाम। डिपो होल्डर का क्या नाम है? अल्ताफ। सही राशन बांटते हैं? सही बांटते हैं। डबल बांटा है? डबल बांटा है। कार में कितने सदस्य हैं आप? 5 है जी। कितना मिलता है? हमको 50 किलो मिलता है। डबल मिलता है? डबल मिलता है। कोई शिकायत? एक आध किलो लेते नहीं है वो? कि कोई बात नहीं, 50 किलो मिल रहा है, 1 किलो छोड़ जाओ? ना, ना, कहता ही नहीं वो। कहता ही नहीं है? और आप भी सारे ले आते हो? सारे ले आते। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है आपका? असगर है जी। कौन सा राशन कार्ड है? बीपीएल है। क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है, नमक मिलता है, चीनी मिलता है। टाइम पे मिलता है? टाइम पे मिलता है। कार में कितने सदस्य? 6। कितना मिलता है? 35। 35 किलो मिलता है? डबल मिला है? हाँ डबल मिला है। 6 के 35 किलो मिल रहे हैं आपको? डबल एवाई का कार्ड है। हाँ। टाइम पे मिल रहा है? टाइम पे मिल रहा है। कोई शिकायत? ना, कोई शिकायत नहीं। संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। तेल के पैसे ना आ रहे? तेल के पैसे नहीं आ रहे? ना। डिपो होल्डर साहब से पूछा नहीं? पूछा जी। क्या बोल रहे? कह रहे खाते सही कराओ, खाते भी सही है और फैमिली आईडी की दिक्कत बता रहे हैं, वो भी सही है लेकिन पता न कैसे ना डाल रहे गवर्नमेंट। चलो समस्या का हल करेंगे इसका भी, पूछना आप एक बार उनसे और। हाँ पता करेंगे जी, और आगे जाकर डिपो होल्डर से। चलो आप सभी ने विस्तार से सुना, जो यहाँ के डिपो होल्डर हैं अल्ताफ जी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें राशन बांट रहे हैं वो, साथ ही यहाँ के कार्ड धारकों ने भी बताया कि किस प्रकार उन्हें राशन दिया जा रहा है एवं डबल राशन दिया जा रहा है। कोई भी शिकायत नहीं है। यदि आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, एवं किसी भी नगर परिषद ग्राम पंचायत वार्ड से कोई भी समस्या हो तो आप देख रहे होंगे कि नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी बात को सुना जाएगा एवं